बहुत वर्षों पहले मैंने विद्यालय के प्रार्थना सभा में एक कहानी सुना था। आशा करता हूं कि उसे आपने भी सुना होगा। किसी गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति रहा करते थे, जिसके पास लोग सलाह मशवरा के लिए आते थे। उसी गांव में एक लड़का भी रहा करता था, जो सबों को अपनी चलाकी से मूर्ख बनाता था। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उस बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख बनाया जाए। उसने उसे फंसाने के लिए एक ऐसे प्रश्न की योजना बनाई जिसका कोई सही उत्तर ना हो। इस तरह यह उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और उनसे कहा, महोदय, मैं जानता हूं कि आप ज्ञानी हैं और सभी चीजों के बारे में जानते हैं। मैंने अपने हाथों में एक छोटी चिड़िया को पकड़ रखा, बतलाए कि वह जिंदा है या मरी है। बुजुर्ग सतर्क हो गया, क्योंकि वह जान चुका था कि वह लड़का उसे अपनी बातों में फंसाना चाहता है। और यदि उसने कहा कि वह चिड़िया मरी है, तो वह लड़का उसे उड़ाकर कहेगा कि वह जिंदा है। और यदि उसने कहा कि वह चिड़िया जिंदा है, तो वह उसे दबाकर मार डालेगा और कहेगा कि वह तो मरी पड़ी है। इसलिए सोच विचार करने के बाद उस ज्ञानी ने कहा, इस छोटी चिड़िया की जिंदगी आपके हाथों में निर्भर करता है। प्यारे भाई और बहनों, तर्क वितर्क करने की विधि को द्विविधा कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप किसी एक हां या नहीं को चुनते हैं और इस प्रक्रिया में आप निश्चित रूप से हारते ही हैं। सदूकिया और फरसीगण इसी तर्क वितर्क में यीशु को फंसाना चाहते थे, पर वे ऐसा कर नहीं पाए। जैसे कि संत मत्ती अध्याय 22 पर संख्या 36 में हम लोग पढ़ते हैं, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? संत मत्ती अध्याय 22 पर संख्या 17 में पढ़ते हैं, क्या कैसर को कर देना उचित है? और संत मत्ती अध्याय 22 पर संख्या 28 में पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति 7 बार विवाह कर मर जाए तो स्वर्ग में वह किसकी पत्नी होगी? पर इन शब्दों के जंजाल से वे बच ही निकलते हैं। आज उनके सामने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लाकर पूछते हैं कि हम इस व्यभिचारिणी स्त्री का क्या करें, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार तो इसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। और इस तरह वे अवश्य ही सोच रहे थे कि आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे, आज तो हमने उसे फंसा ही लिया है। यहूदियों के नियम अनुसार व्यभिचार एक दंडनीय अपराध था, सबसे घिन पापों में या एक ऐसा पाप था जिसकी सजा केवल प्राण दंड था, क्योंकि यह ईश्वर के सभी उसूलों को भंग करता था तथा वैवाहिक जीवन और परिवार जीवन की प्रार्थकता की नींव को आघात पहुंचाता है। लेवी अध्याय 20 पर संख्या 10 में हम पाते हैं, यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो अपने पिता का अनादर करता है, दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। उसी तरह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पर संख्या 23 से लेकर 26 तक में अविवाहित कन्या के बारे में सुनते हैं जिन्होंने व्यभिचार किया है। विधि अनुसार उन्हें नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालने की आज्ञा है। मिश्ना नियम के अनुसार भी व्यभिचार का दंड भी मृत्यु है। इस तरह यहूदी नियम अनुसार सदूकिया और फरीसियन वास्तव में सही थे, या स्त्री पत्थरों से मारे जाने लायक ही थी। और इस तरह के उलझनन में यीशु को जानने का कारण यह था। पहला, यदि यीशु ने स्त्री को पत्थरों से मारने की बात कही होती तो उन्हें दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। पहला, प्यार, दया और करुणा के नाम में उन्हें जो यश प्राप्त था, उन्हें वे खोकर निर्दयी कहलाते और लोगों के साथ भी छूट जाता, पापी और नकेदार भी उनसे घृणा करते। दूसरा, उन्हें रोमन साम्राज्य के नियमों के अनुसार दंड झेलना पड़ता, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अधीन होने के कारण उनके पास प्राण दंड देने का
कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, यदि उन्होंने स्त्री को क्षमा किया होता तो उन पर यह अभियोग लगाया जाता कि वे नबी मूसा के नियमों को तोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं और वे नियमों की अवहेला कर रहे हैं और लोगों को व्यभिचार के लिए और भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह यीशु को यह तो पता था कि यह उनको फंसाने की चाल थी, क्योंकि यहूदी नियमानुसार दोनों व्यभिचारियों को पत्थरों से मार डालने की प्रथा थी, लेकिन यहां तो केवल स्त्री को ही उनके सामने लाया गया था, पुरुष तो वहां था ही नहीं। उस पुरुष को क्या हो गया? लोगों ने उसे क्यों नहीं लाया? वास्तविकता तो यह है कि किसी ने उस स्त्री की परवाह नहीं की, या तो सिर्फ यीशु को फंसाने का एक जरिया था। पर यीशु लोगों के सामने एक और दुविधा पेश कर अपने दुविधा से बाहर निकल जाते हैं। नियम के अनुसार इस मृत्युदंड में अभियोग लगाने वाले पहला पत्थर से इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद अन्य लोग। इसी संदर्भ को जब यीशु उन्हें बतलाते हैं तो सभी फरीसी और सदूकीगण दुविधा में पड़ जाते हैं और इस तरह वे यह अनुभव करते हैं कि वे भी तो पापी ही हैं और इसलिए वे पहला पत्थर नहीं मार सकते। यदि वे पहला पत्थर फेंकते तो उनकी पाखंडता लोगों को पता चल जाता। अपनी इस बेबसी में उन्होंने यहां से चुपचाप निकलना ही बेहतर समझा। इसके बाद हम यीशु के जमीन पर झुककर लिखने पर थोड़ा मनन चिंतन करें। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उन्हें पता था कि व्यभिचारिणी स्त्री के साथ साथ वे उन पर भी आरोप लगाना चाहते थे, इसीलिए शांत से जमीन पर लिखते थे। दूसरा कारण, इस समय वे इस दुविधा से निकलने की तरकीब के बारे में सोच रहे होंगे और साथ ही साथ इसे ईश्वर को समर्पित कर रहे होंगे। तीसरे कारण, शायद जमीन पर वे आरोप लगाने वालों के पापों को अंकित कर उनके पापों को सारे जनता के सामने रख रहे हैं, इसीलिए तो वे लोग लज्जित होकर वहां से दफा हो गए। और चौथा कारण, वे जमीन पर इसलिए लिख रहे थे ताकि उन्हें लगे कि वे उनकी बातों पर ध्यान ना दे रहे, इस तरह वे उन्हें अपने करने पर पछतावे के लिए मजबूर कर रहे। पांचवा कारण, शायद वे लोगों की क्रूरता पर लज्जित थे और लोगों से अपनी आंखें नहीं मिलाना चाहते थे। और छठवां कारण, पुराने व्यवस्था में ईश्वर का विधान पत्थर की पाटिका पर ईश्वर की अंगुली के द्वारा लिखा गया था। ईश्वर की अंगुली को ईश्वरीय प्रभुत्व के रूप में भी समझा जा सकता है। यीशु क्रिस्त ने ईश्वर की 10 आज्ञाओं को केवल एक शब्द प्रेम क्षमा दया में समाहित किया है। अभी हम सदूकी और फरीसियों पर थोड़ा मनन चिंतन करें। अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि इस कहानी में ये लोग बहुत ही निर्दयी थे। इस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ कर लाने का अर्थ है कि वे धर्म के लोग, धर्मी लोग, लोगों के घरों में जाते थे। भले ही उन्हें लोगों का न्यायकर्ता बनाया गया था, पर तो सिर्फ लोगों की कामयाबी ढूंढ कर उन्हें दंड देने में लगे थे। उनमें सहानुभूति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने जिस स्त्री को पकड़ा था वे उनका नाम तक नहीं बतला सकते। अतः कहा जा सकता है कि वे उसे मात्र एक साधन के रूप में ही देखते हैं। उनके विपरीत यीशु के व्यवहारों में कुछ ये चीजें नजर आती हैं। पहला, यीशु लोगों को दोषी नहीं ठहराते। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, पर हम दूसरों की गलतियों पर अंगुली उठाते हैं। इस मानवीय अवस्था में केवल ईश्वर को ही दोषी ठहराने का हक है, इसलिए दूसरों को दोषी ठहराने का हमारा कोई हक नहीं बनता। दूसरा, यीशु एक और मौका देते हैं। स्त्री ने गलती की थी, पर यह उनके जीवन का अंत नहीं था, इसलिए यीशु उसे एक और मौका देते हैं ताकि वह अपने गलतियों को सुधार सके और अपने आप को बचा सके। यीशु लोगों के अतीतों को नहीं, उनके आने वाले कल को देखते हैं। तीसरा, यीशु दया दिखाते हैं।
फरीसियों ने उस स्त्री को दंड देना चाहा, पर यीशु ने उसे क्षमा कर एक नया जीवन देता है। चौथा, यीशु चुनौती देते हैं। यीशु ने उस स्त्री को यूं ही क्षमा नहीं किया और ना ही यह कहा कि उसने अच्छा किया था। उन्होंने कहा, जाओ और फिर पाप ना करो। यह ना सिर्फ क्षमा था, पर एक तरह की चुनौती थी कि वह जीवन के सुनहरे फलों को देखे। पांचवा, यीशु में मानवता विद्यमान था। जब यीशु को स्त्री के प्रति उकसाया गया था, वे स्त्री की अवस्था पर द्रवित होकर उसे कहा, जाओ और फिर पाप ना करो। उन्होंने यह विश्वास किया कि लोगों की सहायता से ही एक पापी संत बन सकता है। छठवां, यीशु चेतावनी देते हैं। यीशु स्त्री को उत्प्रेरित करते हैं कि वह गलत और सही मार्ग का चुनाव करे। सातवां, यीशु क्षमा करते हैं। यीशु ने गलत को अच्छाई से मात दिया। उन्होंने स्त्री की पीड़ा को समझा और क्षमा कर उनके दुखों को हर लिया। आठवां, यीशु मानव मूल्यों को उजागर करते हैं। इस कहानी में व्यभिचारी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं, वह लोगों और अपने आंखों में गिर चुकी है, पर यीशु ने उन्हें क्षमा कर उसके सम्मान को पुनर्स्थापित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, व्यभिचारी स्त्री की यह कहानी हम सबों की परिस्थिति को बयां करती है। हम सभी पापी हैं, शायद उस व्यभिचारी स्त्री से भी अधिक पापी हैं। जब कभी हम उसे देखते हैं, हम भी अपने पापों कमजोरियों को उसके अपमानित जू के चेहरे में देखते हैं। हमें कौन से पाप है? शायद घमंड, लालच, बेईमान, वासना, क्रोध, ईश्वर्या, चोरी करने की इच्छा, घुसखोरी इत्यादि। हम सभी पापी हैं और हमें ईश्वर के दया की अधिक आवश्यकता है। और हमारे लिए खुशखबरी यही है कि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। वे हमें हमारी गलतियों पर एक और मौका देते हैं। हमारे गलतियों के बावजूद वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे एक ऐसे ईश्वर है जो न्याय करने में जल्दीबाज नहीं करते, क्योंकि वे हमें एक मानव का दर्जा देते हैं। आइए हम यीशु के शब्दों पर ध्यान दें, जाओ और फिर पाप मत करो। इस 40 के काल में हम अपने पापों के लिए पछतावा करें और ईश्वर से करीब आने के लिए प्रयास करें।